हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र यादव। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ऑसिलेटर, है ना। ऑसिलेटर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो कि बिना किसी बाय इनपुट सिग्नल दिए ही हमें आउटपुट सिग्नल देता है, वो भी जया तरंग के रूप में, है ना। या किसी भी प्रकार का वो सिग्नल जनरेट कर सकता है। और दूसरा चीज ये है कि ये जो है एक नॉन रोटेटिंग आपका डिवाइस है ना। एक आपका होता है जो जनरेटर है ना, जो कि एक रोटेटिंग डिवाइस है जो एसी सिग्नल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये जो सर्किट है गोलित है, ये आपका नॉन रोटेटिंग डिवाइस है जो कि सिग्नल जनरेट करता है, किसी भी प्रकार का सिग्नल जनरेट कर सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, एक आपका होता है साइनोसोइडल वेव, है ना, इस टाइप का रहता है। दूसरा है आपका वर्गाकार वेव, है ना, इस टाइप का जो रहता है ये। और त्रिभुजाकार वेव। तो ये जो सर्किट है दोलित्र, ये किसी भी प्रकार का वेव सिग्नल जनरेट कर सकता है, वो भी नॉन रोटेटिंग डिवाइस की तरह, है ना। इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसका जो मुख्य भाग है, तीन प्रकार के इसमें मुख्य भाग होते हैं दोलित्र में। पहला हो गया आपका टैंक परिपथ, है ना, और दूसरा है आपका एम्पलीफायर, तीसरा है फीडबैक, ठीक है। ये तीन इसके मुख्य एलिमेंट है, या कह सकते हैं सर्किट के मुख्य जरूरी चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ऑसिलेटर का वर्गीकरण, है ना। इसको जो है मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका जया वक्रीय तरंग, है ना, जया वक्रीय तरंग दोलित्र। और दूसरा था आपका अजया वक्रीय दोलित्र, है ना। तो जया वक्री के अंतर्गत हमने देखा था चार प्रकार का सर्किट यूज किया जाता है। पहला था आपका हार्टले, दूसरा था काल्पेट, और तीसरा था आपका क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल दोलित्र। और इस प्रकार चौथा था आपका आरसी को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो आरसी के अंतर्गत है आपका पहला है फेज शिफ्ट आरसी, और दूसरा था आपका वेन ब्रिज आरसी सर्किट, ठीक है। और आज यह अपनी दोलित्र है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ये तीन प्रकार के सर्किट इसमें यूज किया जाता है। पहला था आपका मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा था ब्लॉकिंग संधारित्र, और तीसरा था आपका साटूथ, है ना, साटूथ वेव जनरेटर। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज हम देखते हैं काल्पिट दोलित्र क्या होता है। देखो, पिछले क्लास में हमने हार्टले संधारित्र जो पढ़े थे दोलित्र, है ना, उसमें क्या था कि उसका जो आउटपुट हमें मिलता है उसमें उसका जो साइन वेव है उसमें कुछ हार्मोनिक्स रहते हैं, कुछ हार्मोनिक अशुद्धियां रहती है, है ना। उसको दूर करने के लिए काल्पेट नामक वैज्ञानिक ने एक और ऐसा सर्किट बनाया, है ना, उसी सर्किट को मॉडिफाई करके दूसरा सर्किट बनाया, जिसमें क्या होता है कि जो आउटपुट हमें मिलता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं मिलता था, है ना, हार्टले में। उसको दूर करने के लिए क्या किया, यहाँ पे जो फीडबैक है ना, फीडबैक जहां से हम लोग लेते हैं उसके लिए क्या किया, फीडबैक कैपेसिटर यूज किया, है ना, फीडबैक कैपेसिटर यूज किया, जिसके कारण हमें प्योर साइन वेव मिलने लगा, ठीक है। तो उस सर्किट को हम देखते हैं और उसका जो कार्य प्रणाली है क्या क्या है, डिटेल में समझते हैं। ये है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे लिया गया है एक ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ इसमें कैपेसिटर को यूज किया गया है एज अ फीडबैक।
ये सर्किट है आपका काल्पनिक कोलिजन, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, देखिए ये आपका टैंक सर्किट, ठीक है, जहां से ये कैपेसिटर और इंडक्टर है, ये आपका टैंक सर्किट होता है ना, और ये आपका एम्पलीफायर सर्किट है। और साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव वोल्टेज के लिए साथ में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक यूज किया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका कार्य प्रणाली है ना, कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो C1 है ना, कैपेसिटर C1 जो है कैपेसिटर C2 को एक फीडबैक वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो C2 है, इसका जो आउटपुट है वो जाता है आपके एम्पलीफायर के इनपुट बेस में, ठीक है, इनपुट बेस में। और यहाँ पे जो टैंक सर्किट है, टैंक सर्किट को एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर C3 के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। अब इसे C3 जो कैपेसिटर है, इसका क्या यूज है, ये क्या करता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है ना, उसे कलेक्टर से जो आउटपुट निकलता है करंट IC है ना, उसमें AC सिग्नल भी रहता है और DC भी रहता है। तो ये क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है, जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है। तो ये DC को ब्लॉक करेगा और प्योर AC सिग्नल ही इस सर्किट से आएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट में ये जो है टैंक सर्किट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, ठीक है। उसके बाद ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको इस एम्पलीफायर सर्किट से मिलता है, ठीक है, यहाँ से आपको 180 डिग्री का मिलेगा फेज शिफ्ट, ठीक है। इस प्रकार जो आउटपुट मिलता है टोटल आपको, टैंक सर्किट से मिलता है और 180 डिग्री का आपको ट्रांजिस्टर है ना एम्पलीफायर सर्किट से, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 360 डिग्री, है ना, या इसको बोल सकते हैं आप 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों का मतलब आपका सेम होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो आउटपुट मिलेगा यहां से हमें आउटपुट मिलेगा, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसके सेकेंडरी को अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें प्योर साइनसोइडल वेव मिलेगा, है ना, प्योर जया तरंगी वेव हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये RFC है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ये यूज किया गया है, तो इसका काम क्या रहता है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसको धनात्मक वोल्टेज देने के लिए हम क्या यूज किया, RFC अपना चोक और RA मतलब रजिस्टर यूज किया है ना। इसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो AC सिग्नल रहता है ट्रांजिस्टर का, है ना, इसमें AC और DC दोनों रहता है, तो AC सिग्नल को यह वापस अपना जो वोल्टेज सोर्स है उसमें जाने से रोकता है, और रोकता है इंडक्टर, ठीक है। अब इस सर्किट का लाभ क्या है, देखिए इस सर्किट में जैसे कि हार्डले में क्या था, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता था, तो इस सर्किट को सुदृढ़ करने के लिए ये सर्किट का अरेंजमेंट किया गया। इसमें क्या लाभ होता है, इसमें जो हमें प्राप्त होता है सिग्नल वो नियर रहता है ना, मतलब प्योर आपका साइनसोइडल वेव रहता है ज्यादातर, ठीक है, तो बोल सकते हैं आप शुद्ध शुद्ध जया तरंग, ठीक है, यह हमें मिलता है। और दूसरी बात है कि इसमें जो सिग्नल हमें मिलता है वो स्टेबल रहता है ना, आवृत्ति पे ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हानि क्या होता है, जो हानि इसमें ऐसा है कि देखिए लाभ इसमें जो हार्डले में तो हमें लॉस हो रहा था डिस्टॉर्शन का, वो इसमें ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें हानि यह है कि ये सर्किट बहुत ही ज्यादा कठिन है ना, बहुत ज्यादा कंपोनेंट इसमें लगते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर लगाए हैं,
इसके बाद आरएसी आपका इंडक्टर लगा है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, ये जो सर्किट है जटिल हो जाता है एस कंपेयर टू आपका हार्टले डोली के सर्किट। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका आरसी डोली। ठीक है, आरसी डोली पढ़ते हैं, उसके बाद है आपका आरसी डोली। तो आरसी डोली क्या होता है, वह एक प्रकार का ये भी दोलित्र है जिसमें एम्पलीफायर में क्या यूज करते हैं हम आरसी, है ना। देखो पहले जो हम लोग दोलित्र पढ़े उसमें क्या यूज किए थे आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना, वो था एलसी और ये है आरसी। तो इसके अंतर्गत हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर, है ना, इन दो एलिमेंट का यूज करके हम टैंक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो प्रकार का होता है आपका, है ना, पहला है आपका फेज शिफ्ट दोलित्र और दूसरा है वेन ब्रिज दोलित्र। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फेज शिफ्ट दोलित्र को। फेज शिफ्ट दोलित्र में क्या होता है, आपका जो आउटपुट फीडबैक हम प्राप्त करते हैं वो आर और सी जो एलिमेंट है ना, रजिस्टर और कैपेसिटर, उसको कंबाइन करके एक सर्किट बनाया जाता है टैंक सर्किट, है ना, उसे सिग्नल जनरेट किया जाता है। जैसे कि सर्किट में हम देख सकते हैं आपका एम्पलीफायर सर्किट हो गया, है ना। अब जो हमारा टैंक सर्किट है उसमें हम लगाते हैं कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, है ना। यहां से आपको मिलेगा आउटपुट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है आपका एम्पलीफायर सर्किट है ना, ट्रांजिस्टर है इसमें और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग आपको यूज किया गया है। ये आपका टैंक सर्किट, जो आरसी सर्किट हम बोल रहे हैं वो इस टैंक सर्किट की वजह से है ना, इसमें क्या यूज किया, रजिस्टर और कैपेसिटर। यहाँ पर हमने तीन रजिस्टर और तीन कैपेसिटर यूज किया है, उसका कारण ये है इसमें कि हमें चाहिए जाता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। और जैसा कि हम जानते हैं जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, वोल्टेज जो है कैपेसिटर में क्या करता है, वोल्टेज जो है करंट से जो है ना 90 डिग्री का आगे जाता है, 90 डिग्री का आगे काम भी जाता है। ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज, ये आपका 90 डिग्री का वोल्टेज है आगे रहता है ना। इस सर्किट को थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये आपका 90 डिग्री काम करके 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, 60 डिग्री जब होगा ये और यहाँ पर हमने तीन कैपेसिटर यूज किया है तो ये कितना हो जाएगा, 60 × 3 180 डिग्री। ठीक है, इससे यहाँ पर हमने तीन कैपेसिटर यूज किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। अगर कुछ डाउट होता है इस टॉपिक से तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।